तो चलिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकेंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल की लंबाई निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है पुल, अब इसको पर बैठा देंगे, देख दिया हुआ, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना दिया है 120, और निकालना हमको पुल की लंबाई। पुल की लंबाई नहीं दिया हो तो इसको एक्स मान लेंगे, एक्स प्लस चाल, चाल कितना दे 60 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको 60। अब इसको किलोमीटर में दिया हो तो इसको मीटर, सब मीटर में दिया हो तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। अगर मीटर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, उसको किलोमीटर चेंज करना है, तो उसको 18/5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा। तो ये दिया हुआ है 60, दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो इसको 60 को मीटर पर सेकंड 5/18 से गुना करेंगे, तो ये कट जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको 50/3 ली देंगे चाल, और समय, समय कितना दिया हुआ है 18 सेकेंड। अब इसको काट देंगे 300 x + 120, इसमें से 300 में से 120 जाएगा तो बच जाएगा 180, जो कि ऑप्शन ए में है, 180 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। देखिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। 10 मीटर और 5 मीटर की बीमाओं वाले एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है? तो लंबे खंभे की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है, लंबे खंभे की लंबाई बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर गुने ऊंचाई का स्क्वायर। तो अब यहां से 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है, तो इन तीनों का स्क्वायर कर देंगे अंदर में, तो 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25, तो 100, 100, 200, 225 हो जाएगा, अंडर 225, और 225 किसका वर्ग होता है? तो ये होता है 15 का, तो 15 हो जाएगा मीटर, इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में है। एक दुकानदार 12% लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग में लाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वास्तविक वजन हम 1000 मान लेंगे, वास्तविक वजन 1000। अब इस पे बोल रहा है वास्तविक वजन पर 12% लाभ पे सामान बेचता है, यानी इस पे 12% पे बेचता है लाभ पे, तो यानी इसका 112 कितना हो, 1000 का 12% कितना हो जाएगा 120, यानी 1120 में बेचता है, और वजन का 15% कम वजन का उपयोग में लाता है, यानी 15% 1000 का 15% हो जाएगा 150, यानी कम का उपयोग करता है कितना, यानी 850 का उपयोग करता है। अब 850 का उपयोग करता है 1000 में, तो पूछ रहा उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो 850 देता है और लेता है पैसा 1120 का, तो कितना का लाभ हुआ, तो इसमें तो देख 270 का लाभ हुआ, कितना में, 850 में, परसेंट के लिए 100 से कर देंगे, तो यहाँ से 1 चल जाएगा 5 × 17 = 2, 27 × 5 = 40/17, इसको काटेंगे 70 = 51 = 30 एक बन जाएगा 31 का, देखिए ऑप्शन कौन है, सी, ये हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि आगे गुना आगे करने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन से मिल रहा है आंसर इसका। क्वेश्चन कह रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं गुणनफल, यानी एक संख्या दो संख्या, इसका गुणनफल हो जाता है महत्तम समवर्तक मतलब HCF गुने लघुत्तम समवर्तक LCM, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, और इसी यही दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, महत्तम समवर्तक 8 है, HCF 8 है, लघुत्तम LCM क्या है 40, तो इसको गुना कर देंगे तो 8 × 32 यानी 320 इसका आंसर हो जाएगा। यदि ए रेशियो बी बराबर 5:6 है और बी रेशियो 6 सी बराबर 6:7 है, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले ए प्लस बी, ए बी सी का तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो ए रेशियो बी बराबर 5:6 दिया हुआ है और बी रेशियो सी बराबर 6:7 दिया हुआ, तो इसको निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला होता है ये दोनों का पहले गुना
फिर ये दोनों का, तो फिर उसके बाद ये दोनों का, तो ये रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा, इन दोनों गुना कर देंगे तो 30, और इन दोनों करेंगे तो 6 36, और ये का गुना करेंगे तो 7 6 42। अब रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा फॉर्म, तो ये देखिए तीनों का छोटा कर लेंगे तो 6 से 3 कट रहा, तो ये हो जाएगा 5 6 7, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 6 रेशियो 7 आ जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों पर सेट करें, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो ए और बी कितना 5 और 6 11 रेशियो, बी प्लस सी यानी 6 प्लस 7 7 6 13 रेशियो, सी प्लस ए यानी 7 और 5 12, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कितना है 11 13 12, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। देखिए दोस्त अगला क्वेश्चन बताते हैं, यदि ए रेशियो बी बराबर 5 रेशियो 6 है और बी रेशियो 6 सी बराबर 6 रेशियो 7 है, तो ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पहले ए प्लस बी ए बी सी का तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो ए रेशियो बी बराबर 5 रेशियो 6 दिया हुआ है और बी रेशियो सी बराबर 6 रेशियो 7 दिया हुआ है, तो इसको निकालने का शॉर्ट फॉर्मूला होता है ये दोनों का पहले गुना, फिर ये दोनों का, तो फिर उसके बाद ये दोनों का, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हो जाएगा, इन दोनों गुना कर देंगे तो 30, और इन दोनों करेंगे तो 6 36, और ये का गुना करेंगे तो 7 6 42। अब रेशियो का मतलब होता है सबसे छोटा फॉर्म, तो ये देखिए तीनों का छोटा कर लेंगे तो 6 से 3 कट रहा, तो ये हो जाएगा 5 6 7, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 5 रेशियो 6 रेशियो 7 आ जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों पर सेट करें, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो ए और बी कितना 5 और 6 11 रेशियो, बी प्लस सी यानी 6 प्लस 7 7 6 13 रेशियो, सी प्लस ए यानी 7 और 5 12, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन कितना है 11 13 12, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर।